हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी शाम के 8 बज चुके हैं। मैं जानती हूँ आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज मतलब एक व्लॉग देने के बाद मैंने अभी तक क्यों नहीं एक भी व्लॉग बनाया था, बिकॉज मैं अमृतसर गई हुई थी और सॉरी वहाँ का व्लॉग मैं नहीं बना पाई। अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं अभी ऊपर किचन में आई हूँ खाना बनाने, और आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ और आज मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ा लेट वीडियो स्टार्ट करी। इसमें पहले हमने रिफाइंड डाला था, रिफाइंड ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई प्याज डालते हुए। मैंने इसमें अभी तक प्याज डाली है और लहसुन डाला है। अभी इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये बैंगन जो है इनको अच्छी तरह से छील के यहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैंगन का भरता तब उस पे गैस पर भूनकर बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी बनाने के चक्कर में, और ये अच्छा भी बनता है, जल्दी भी बन जाता है, मैं इनका सारा छिलका उतार के इसको आलू की तरह से काट लिया है। और फिर इसको अभी मैं ब्राउन हो गई है प्याज में, इसको अब उसमें कुकर में डालने वाली हूँ। मैंने ये सारा अब इसके अंदर डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मैं प्याज के साथ फिर मैश करूँगी और फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हमने कौन कौन से मसाले इसके अंदर डाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं वही डाल सकते हैं। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, जितना आप लोगों को अच्छा लगता है आप उतना डाल के अपनी सब्जी को बना सकते हैं। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है और अब मैं थोड़ी हल्दी डालूंगी। जितनी भी आपको इच्छा है आप उतना डाल सकते हैं मसाला, जिस तरीके की आपकी सब्जी है, 1 किलो है, 2 किलो है, उस हिसाब से। ये है धनिया पाउडर और ये है लाल मिर्च। और ये है गरम मसाला थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डालेंगे। मैंने 1 किलो सब्जी बनाई है और अच्छे से इसको मिलाएंगे। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत सिंपल है बैंगन का भरता और इजीली बन जाता है। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको गैस पर भूनने की। ये अच्छी तरह से मिल गया है। अगर आपको तरी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वरना आप सूखा भी बना सकते हैं। हमारे घर में तरी अच्छी लगती है इसलिए हमने थोड़ा पानी डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर 2 सीटी लगाकर इसको बंद कर देंगे। 2 सीटी आने पे इसको गैस को बंद करना है। फिर फ्रेंड्स, इसमें 3 सीटी मैंने लगाई है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 ही लगानी है, अच्छे से इसको भरता बनाने के लिए आप 3 सीटी भी लगा सकते हो। और अभी मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है और अब मैं इसमें ऑप्शनली है धनिया, आपको अच्छा लगता है तो आप लोग डालिए, अगर नहीं लगता तो नहीं डालिए। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसमें धनिया डाल दिया। अच्छी तरह धनिया मिला के और फिर इसको मैश करके और थोड़ी देर के लिए मतलब इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि धनिया की अच्छी सी महक आ जाए। फ्रेंड्स, मैं रूम में आ गई हूँ अपना खाना लेके। हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, आप देख के कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। वैसे तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन आप लोग भी कमेंट ज़रूर करके बताना। अब हमारा खाना खाने का टाइम हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं रात के। और मैं आपको आज एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी अपने व्लॉग में कि मेरी 1.5 साल की जो छोटी सी बाबू है, लड़की है, आप उससे भी ज़रूर मिलें आज और आप ज़रूर उससे नाम पूछना। वैसे उसका नाम चाहत है लेकिन वो अपना नाम बताती है पैफी। आपको मैं दिखाती हूँ अपनी लड़की, हाय करो। ये फ्रेंड्स मेरी छोटी सी बाबू, 1.5 साल की है, इसका नाम चाहत है और अब आपको ये रोज देखने को मिलेगी व्लॉग में। नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? चाहू माँ बताओ क्या नाम माँ है? बताओ पैफी। हाय करो। फ्रेंड्स ये अपना नाम पैफी बताती है, किसी चुम्मी, बट आई डोंट नो पैफी का क्या मतलब है। बाय कर दो, किस कर दो, बाय, इतनी जल्दी बाय। चलो हेलो करो, हेलो।
हेलो चलो बाय कर फ्रेंड्स, अभी इसको बोलना नहीं आता सही से, थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई है। बाय चल फ्रेंड्स, आप मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिए, ये बहुत शर्माते हैं, शाई टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना खाने का टाइम हो रहा है, अभी लड़की बाय करिए, पहले आप इनकी इसकी बाय ले लो, पूछी दो मुझे। ओए होए चलो बाय करो फ्रेंड्स, खाना खाने का टाइम हो रहा है, तो अब मैं व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और मैं आशा करूँगी कि आप लोग इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लाइक करें और सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? बाय बाय, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।